हे गाइस बेटो आर्मी हियर। गाइस कल पूरे वर्ल्ड में फ्री फायर को अपडेट होने के बाद गरीना की जो बैकग्राउंड लॉबी थी वो कुछ इस टाइप की थी, बट हमारे इंडिया में गाइस ऐसा कुछ भी चेंजिंग देखने को नहीं मिला। एंड एक्चुअल में कल फ्री फायर का OB33 अपडेट क्यों नहीं आया ये जानने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा दुख होने वाले हो। एंड लिटरली गाइस मैं भी बहुत ज्यादा दुख हुआ, मतलब सीधा समझ लो गाइस कि फ्री फायर अब इंडिया में नहीं रहने वाला है। 95% मेरे को कन्फर्म लग रहा है गाइस कि 2 से 3 दिन के अंदर गरीना फ्री फायर इंडिया से बैन हो जाएगा। सबसे बुरी खबर तो ये गाइस कि आज के बाद आप इंडिया में कोई भी अदर सर्वर का अकाउंट नहीं खोल पाओगे। जैसे बहुत सारे बंदे पहले VPN लगा करके मीना सर्वर तो कोई ब्राजील सर्वर का अकाउंट खोलते थे, और ना ही गाइस आप इंडिया में कोई भी अदर सर्वर का अकाउंट बना पाओगे। मैंने भी गाइस ब्राजील सर्वर का अकाउंट बना रखा है, मैं आपको लॉगिन करके भी अभी दिखाने वाला हूं। गाइस नहीं होगा ओपन, मतलब सीधा समझ लो गाइस कि हमारे फ्री फायर का जो इंडिया सर्वर है ना इसको पूरे वर्ल्ड से अलग कर दिया गया। एक नेपाली तो कंट्री था गाइस उसको भी अलग कर दिया ताकि उसके ऑडियंस को भी कोई दिक्कत ना हो। एंड हमारे इंडिया को गाइस पूरे वर्ल्ड से इसीलिए अलग किया गरीना ने ताकि गरीना फ्री फायर अब इंडिया से परमानेंटली बैन होने वाला। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आखिर कल गरीना फ्री फायर का अपडेट क्यों नहीं आया, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का अपडेट हो चुका है बट कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिला है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में गरीना फ्री फायर ने कोई अपडेट ही नहीं दिया है। वो 41 MB का अपडेट जो था गाइस वो तो बस गुमराह करने के लिए था। एंड इसका मैं आपको कंफर्मेशन भी दे देता हूं गाइस, जब भी अगर कोई अपडेट आता है तो वो गेम शाम को 5 बजे लॉग इन होता है। दूसरा की गाइस 500 से 600 MB का अपडेट होता है। तीसरा ये गाइस कि जब भी आप गिल्ड टोकन से एक्सचेंज करने जाओगे तो वहाँ पे आपको नया डायमंड रॉयल और नया वेपन रॉयल वाउचर परचेज करने को मिलेगा, नेम चेंज कार्ड भी मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। एंड यही वो कंफर्मेशन है गाइस कि हमारा गेम फ्री फायर अभी अपडेट ही नहीं हुआ। एंड ये जो 41 MB वाला जो अपडेट आया था ना ये एक्चुअल में इसीलिए आता है ताकि जो आपका लॉबी एंड ये जो बैनर होता है वो चेंज किया जाता है। ये अपडेट जो था गाइस वो भी हम लोगों का कुछ दिन पहले आ चुका है, तो मतलब ये अपडेट में कोई चेंजिंग ही नहीं मिला गाइस। लिटरली 41 MB का अपडेट इसीलिए दे दिया बिकॉज कल का डेट था गरीना फ्री फायर को अपडेट देने का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है गाइस कि आखिर गरीना फ्री फायर इंडिया ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ। तो गाइस इसका आंसर तो एकदम सिंपल है कि फ्री फायर बैन बहुत दिन से इंडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है। एंड एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट तो बैन कर ही रखा है, ऊपर से आईफोन वाले ने तो एप्पल स्टोर से भी हटा रखा है। इसलिए गाइस एक तो ये रीजन हो सकता है जिस कारण से गरीना फ्री फायर हमारे इंडिया में अपडेट नहीं दे पा रही है। एंड दूसरा सबूत ये है गाइस कि अगर आप लोगों में से किसी के पास भी फॉरेन कंट्री का अकाउंट है तो आप लोग उसको प्लीज ओपन करने का ट्राई करो, आप लोगों का भी गेम ओपन नहीं होगा। एंड गाइस मेरे पास एक ब्राजील सर्वर का अकाउंट है एंड मैं जब ओपन कर रहा था तो मेरे साथ क्या सिचुएशन हुआ वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस आप लोग बैकग्राउंड में देख लो, यहाँ पे जो गेस्ट अकाउंट बना रखा है मैंने वो ब्राजील सर्वर का अकाउंट है। एंड जैसे ही मैं गेस्ट अकाउंट को लॉगिन करता हूँ एंड उसके बाद टैप टू बिगिन करता हूँ तो गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। एंड गाइस यहाँ पे लिखता है न्यू वर्जन डिटेक्टेड प्लीज प्रोसेस टू डाउनलोड। एंड गाइस इसके बाद जैसे ही मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ कुछ देर वेट भी करता हूँ बट गाइस मेरे को लगता है कि गेम ओपन हो जाएगा, बट किसी भी हाल में गाइस ये गेम ओपन ही नहीं होता है। एंड गाइस अगर आप लोगों के पास भी कोई भी अदर सर्वर का अकाउंट है तो आप लोग प्लीज ओपन करके चेक कर लो, आप लोगों का भी गेम ओपन नहीं होगा। एंड गाइस इसका मतलब यही होता है कि न्यू वर्जन डिटेक्टेड मतलब नया वर्जन आ चुका है, पहले इसको डाउनलोड करो उसके बाद अपने गेम को ओपन करो। बट गाइस हमारे इंडिया में तो कोई अपडेट आया ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे अपडेट करूं और कहां से गेम को ओपन करूं। एंड गाइस आज के बाद से आप लोग भी इंडिया में फ्री फायर का कोई भी अदर सर्वर का अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। एंड यही वो रीजन है गाइस जिसके कारण फ्री फायर बहुत जल्द इंडिया में बैन होने वाला है। गाइस बेसिकली फ्री फायर इंडिया को हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से अलग कर दिया गया, जिस कारण से अब ना तो इंडिया वाला किसी भी अदर कंट्री के साथ खेल पाएगा और ना ही बाहर वाले कोई भी इंडिया के साथ खेल पाएंगे। एंड इसीलिए गाइस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। एंड जहां तक मेरे को लगता है कि गरीना फ्री फायर बैन होने वाला है इसीलिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। एंड गाइस आपको क्या लगता है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। लिटरली यार अगर गलती से भी फ्री फायर बैन हो गया ना यार देन आई कांट कंट्रोल माय इमोशंस, मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा यार भाई क्या हो रहा है यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आज तक जो भी नहीं हुआ ना गरीना के हिस्ट्री में वो सब कुछ हो रहा है लास्ट 1-2 महीने से। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, अगर आगे से कोई भी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।